हरिओम नमस्कार मित्रों, आदिशक्ति माँ जगदम्बा का आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रा 15 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ में आरंभ हो जाएगा। इसमें 15 अक्टूबर को प्रथम दिन माता शैलपुत्री की आराधना उपासना के साथ में नवरात्रि पर्व आरंभ हो जाएगा, जिसमें घर घर घट स्थापना की जाएगी। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर की रात्रि 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी और 15 अक्टूबर की दोपहर 12:30 तक घट स्थापना का मुहूर्त प्रतिपदा का रहेगा। और विशेष रूप से इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही है, जो कि खुशहाली और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और लोगों के बिगड़े कार्य बनेंगे और माता रानी की पूजा आराधना करने से विशेष कृपा आशीर्वाद उनको माँ जगदम्बा का प्राप्त होगा। 15 अक्टूबर को प्रातःकाल में माता शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना होगी। इसके अलावा 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होगी। 17 अक्टूबर को माता चंद्रघंटा की उपासना होगी और 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की उपासना होगी। 19 अक्टूबर को माता स्कंद माता की उपासना होगी और 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की उपासना होगी। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की उपासना होगी। 22 अक्टूबर को माँ महागौरी की उपासना होगी। 23 अक्टूबर को महानवमी है और 24 अक्टूबर को माँ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होगा और दशहरा पर्व भी है। नवान मंत्र सिद्धि के लिए भी यह समय सर्वार्थ सिद्धि माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति माँ दुर्गा में आस्था रखते हैं, उन्हें चाहिए कि 9 ही दिन में 25,00,000 नवान मंत्र का जप करके मंत्र सिद्ध कर ले। नवान मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का 25,00,000 की संख्या में अनुष्ठान 9 दिनों के अंदर कर लिया जाना चाहिए और 25,00,000 ना हो सके तो प्रतिदिन 11 माला या 21 माला का जप करें और अष्टमी के दिन हवन करके दशाश हवन करें और कन्या भोजन करवावे। इसके साथ ही 9वें दिन साधना संपन्न की जाती है। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से देवी की अभिचारिकाओं सेविकाओं की पूजा भी की जाती है और इनकी साधना संपन्न की जाती है, क्योंकि यह तंत्र साधना के अंतर्गत कामेश्वरी योगिनी साधना अति उपयुक्त मानी जाती है। हर क्षेत्र में सफलता हेतु, हर कार्य में सिद्धि हासिल करने हेतु इस साधना को संपन्न किया जाता है। इस साधना की सिद्धि प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति स्वयं सिद्ध बन जाता है, यानी कि देवी उसे संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान कर देती है। उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, शत्रु उससे कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि प्रबल शक्तिमान देवी वह अपनी समर्थ सारी शक्तियों को अपने साधक को प्रदान करती है और विशेष रूप से साधक के सम्मुख हमेशा विद्यमान रहती है। यह देवी की विशेषता है, इसलिए साधक को चाहिए कि नवरात्रि के दिनों में इस देवी की उपासना करें। कामेश्वरी योगिनी का ध्यान इस प्रकार है, कामेश्वरी शशांकास्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोल गतिम कांताम कुसुमास्त्र सिलीमुखी। अर्थात देवी के नेत्र खंजन नामक पक्षी के समान चंचल एवं सुंदर है तथा वह चंचल गति से गमन करती है और हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में साधक पे समीक उपस्थित रहती है और साधक की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और देवी के हाथों में कामदेव के समान पुष्पबाण है और सदा वह अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ललायत रहती है। ऐसी देवी की उपासना अवश्य ही हमें करनी चाहिए। कामेश्वरी योगिनी साधना के लिए विशेष रूप से कामेश्वरी योगिनी यंत्र अपने सामने स्थापित करना पड़ता है, जो कि तांबे का और प्रतिष्ठित किया गया हो और सिद्ध गुटिका उसके समक्ष स्थापित हो और इनका पंचोपचार पूजन करने के पश्चात ही साधना आरंभ करनी चाहिए। साधना की सामग्री अपने गुरु से प्राप्त करें और नवरात्र के 9 ही दिनों में 9 ही दिन अबूज और सिद्ध माने जाते हैं, तो 9 ही दिनों में किसी भी दिन इस साधना को शुरू किया जा सकता है, जिसका संकल्प 11 या 21 दिन का किया जाना आवश्यक है। साधना के अंतिम दिनों में अवश्य ही देवी के दर्शन का सौभाग्य साधक को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। और इसके अलावा धन प्राप्ति हेतु, धन बाधा को दूर करने हेतु, व्यापार वृद्धि हेतु
और अगर व्यापार नहीं है तो व्यापार प्राप्त करने हेतु, रोजगार प्राप्त करने हेतु भी इस साधना को संपन्न किया जाता है। और ये साधना है महालक्ष्मी योगिनी उपासना। इस साधना का ध्यान इस प्रकार है: अरुण कमल संस्था तद्रज पुंज वर्णा कर कमल विदत्ते बीती उमा मुजाश्च मणि मुकुट विशाल अलंकृता कल्प जाले भवत भुवन माता संततम शीशेन। यह महालक्ष्मी योगिनी देवी का एक स्वरूप है और जल्दी सिद्ध होने वाली देवी मानी जाती है, और विशेष रूप से धन प्राप्ति हेतु ही ये साधना संपन्न की जाती है। कुबेर स्वयं इनके धन प्राप्ति से ही धनी हुए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम ये योगिनी साधना करें। महालक्ष्मी योगिनी का मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र का जब महालक्ष्मी योगिनी सिद्ध यंत्र को अपने सामने स्थापित करने के बाद में उसका पंचोपचार पूजन करने के पश्चात में कमल गट्टी की माला या शुद्ध स्फटिक की माला से ही संपन्न किया जाना चाहिए। साधना का ध्यान और मंत्र अपने गुरु से ही प्राप्त करें, क्योंकि बिना गुरु से प्राप्त किए मंत्र कार्य नहीं करता है, उसका हमें कुछ ही भागफल प्राप्त होता है। इसलिए शुद्ध सामग्री अपने गुरु से ही सिद्ध करा करके प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात साधना हमें आरंभ करनी चाहिए। और विशेष रूप से इन दिव्य अलौकिक तंत्र साधनाओं को नवरात्रि के दिनों में संपन्न करें, और इसकी सिद्ध सामग्री आप प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना भी नवरात्रि के दिनों में की जाती है। हालांकि 10 महाविद्याओं की उपासना एक साथ करना संभव नहीं है, मगर हम कोई एक महाविद्या की उपासना करके भी उन देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए माँ तारा की उपासना भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जो कि 10 महाविद्याओं के अंतर्गत है, जिनका ध्यान इस प्रकार है: ओम तारिणीम तरला तन्वी तारा तरुण वल्लरी तीर रूपा तरी श्यामा तरुक्षीण पयोधरा तुरीया तरला तीव्रगमना नीलवाहिनी उग्र तारा जया चंडी श्रीमदेक जटाशिरा। यह उग्र तारा नाम से भी सिद्ध और नील सरस्वती नाम से भी यह देवी मानी जाती है, जिनका स्वरूप नील वर्ण है और जिनके पैर भगवान साक्षात शंकर के सीने के ऊपर है। वे देवी बड़ी ताकतवर और सिद्ध महाविद्या मानी जाती है। इनकी सिद्धि प्राप्त करने वाला साधक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, और इसके अलावा हर प्रकार की सिद्धि उस व्यक्ति के लिए दुर्लभ नहीं है जो इस सिद्धि को हासिल कर लेता है। हर प्रकार के कार्य में भी उसे अवश्य सफलता मिलती है, चाहे वह किसी प्रकार का धन संबंधी या बाधा या व्यापारिक संबंधी कार्य हो, या हर प्रकार का कोई प्रकार का शत्रु बाधा भी हो, ग्रह बाधा हो, तो वह इससे दूर हो जाती है, बशर्ते इसे भी मंत्र को सिद्ध करना जरूरी है। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। यह मंत्र महाविद्या तारा उपासना का मंत्र है, और पंचोपचार इसके यंत्र का करने के पश्चात ये साधना आरम्भ करनी चाहिए। महाविद्या तारा की मुख्य सामग्री के अंतर्गत इसका संपुटित बीज मंत्र यंत्र, जो कि प्रमुख मंत्र से सिद्ध किया गया हो, और उसके अलावा अष्टाक्ष गुटिका या सिद्ध गुटिका इसके साथ में होना जरूरी है, और विशेष रूप से सफ़ेद मूंगा या काले मूंगे की माला से भी इसका जप किया जा सकता है। अगर नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला या स्फटिक के माला से भी मंत्र जप किया जाता है, और 9 ही दिन 21 माला मंत्र जप करके 10वें दिन इसका सामग्री का बहते जल में विसर्जन किया जा सकता है, या किसी भी नवरात्रि के शुक्रवार या नवरात्रि के अष्टमी नवमी के दिन साधना प्रारंभ करके 11-21 दिन का संकल्प लेकर के 11-21 माला लगातार 21 दिनों तक कर सकते हैं, जिससे भी और भी अधिक ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि नवरात्रि के 9 ही दिन सिद्ध माने जाते हैं। इन दिनों में कभी भी ये उपासनाएं आरंभ की जा सकती है। शुद्ध सामग्री आप अपने गुरु से प्राप्त करके ही ये साधना आरंभ करें। मंत्र अपने गुरु के मुख से लेना चाहिए और संकल्प अपने गुरु से करवा कर ही साधना आरंभ करनी चाहिए। इसके अलावा माता पीताम्बरा महाविद्या की बगलामुखी महाविद्या की उपासना भी इसके अंतर्गत की जा सकती है। प्रमुख रूप से इसके बीज मंत्र की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है, जो कि हर प्रकार के किसी प्रकार के रोग की निवृत्ति के लिए, शत्रु बाधा के लिए, दुष्ट ग्रह बाधा पीड़ा के निवारणार्थ भी ये साधना संपन्न की जाती है बीज मंत्र की। और इसका ध्यान इस प्रकार है: ओम वादी मुक्ति रक्तति शितपति वैश्वा नर शीतति क्रोधी शांति दुर्जन सुजनति क्षिप्रानुग खंजति गर्वी खर्वति सर्वविच दर्द तद्दंतिता जंत्रिता श्री नित्य बगलामुखी प्रतिदिनम।
ये प्रकार किस प्रकार इस देवी का ध्यान किया जा सकता है। और इसके अलावा जीवाग्र माता कर्ण देवी बाबे न सर्वशत्रुन परिपीड़ अंतिम कदा भी गाते न च दक्षिण न पितामराड्यम द्विभुजाम नमामि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि शमनम पितामरा। इस प्रकार से देवी का ध्यान करने के पश्चात में और देवी के समर्पण और भक्ति भाव से समर्पण की भावना के साथ में अगर साधना बीज मंत्र की आरंभ करें तो अवश्य ही हमें सफलता प्राप्त होती है। और बगलामुखी माँ का बीज मंत्र है लीम और इसका दूसरा बीज मंत्र है हल्रीम। इसमें से इन दोनों में से किसी भी एक बीज मंत्र को अपने गुरु से प्राप्त करने के पश्चात में इसका मंत्र जप करें और 1,25,000 की संख्या का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। और इसका संपुटित यंत्र भी अपने सामने तांबे का स्थापित हो जो कि अपने गुरु से प्राप्त करें और उसके पश्चात ही पीले मूंगे की माला या पीले स्फटिक की माला से ही इसका जप किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से इस साधना का काल और दिशा रात्रि काल है और दिशा इसकी दक्षिण या पूर्व है। अपने कार्य प्रयोजन हेतु दिशा का निश्चय करना चाहिए, तत्पश्चात ही साधना करनी चाहिए, जिससे कि हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। और नवरात्रि के दिनों में तो सफलता हर साधक को प्राप्त होती है। नशे पत्ते से दूर रहें क्योंकि साधना के दौरान शराब और मांस मदिरा का प्रवेश निषिद्ध माना गया है। अगर ऐसा करने से किया गया जप का फल हमें नहीं मिलता है और देवी कोपित भी हो सकती है, इसलिए 9 दिनों तक व्रती रह करके साधना करें और निरामिष भोजन यानी कि सात्विक आहार लें और अपने साधना करें। और जो व्रती रह करके साधना करना चाहते हैं वो फल या दूध का सेवन करके साधना कर सकते हैं। इसके अलावा एक समय भोजन करके भी नवरात्रि संपन्न की जाती है, जिसमें एक समय फल या दूध का आहार होता है और एक समय का भोजन किया जाता है। इस प्रकार से नवरात्रि हम देवी को समर्पित करके पूर्ण रूप से भक्ति भाव के द्वारा संपन्न कर सकते हैं और देवी की कृपा आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।